हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.3 ऑफ क्लास 8। आर क्वेश्चन नंबर 4 इज नंबर्स 1 टू 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, राइट। वन नंबर ऑन वन स्लिप, कहता है 1 टू 10 तक स्लिप्स बनी हुई हैं, सबके ऊपर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे लिख रखा है। कैप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, एक बॉक्स में डाला गया और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया गया। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट, अब कहता है उस बॉक्स में से फिर एक स्लिप चूज की उसे बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब प्रोबेबिलिटीज बतानी है, गेटिंग अ नंबर 6 की नंबर 6 आएगा, सिमिलरली गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 की नंबर लेस देन 6 होगा, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, सिमिलरली गेटिंग वन डिजिट नंबर की वन डिजिट नंबर मेरे पास आएगा, राइट। अब सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाना है, कितनी आउटकम्स आएंगी मेरे पास, आउटकम्स कौन सी होंगी, या 1 आएगा या 2, ऐसे लाइक 10 तक कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सैंपल स्पेस एस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज 10, मतलब ये आउटकम्स होगी कि इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। मैंने बॉक्स में डाला, बिना देखे निकालूंगी, कोई ना कोई स्लिप तो निकलेगी ही, है ना। बट उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है गेटिंग, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैंने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। अब नंबर ऑफ फेवरेबल, गेटिंग अ नंबर 6, उसने बोल ही दिया कि नंबर 6 ही चाहिए, तो नंबर 6 वाली तो कितनी होंगी उसके पास स्लिप्स, 1 स्लिप ही है, तो 1 एक स्लिप है, लेकिन टोटल कितनी है उसके पास स्लिप्स, टोटल है उसके पास 10 स्लिप्स, राइट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है उसके पास सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में उसने बोला है आपको गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, फिर से वही फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट करोगे, मैं नहीं करूँगी अब। तो नेक्स्ट, अब गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 बोला है, मतलब 6 से लेस नंबर्स चाहिए उसको, तो 6 से लेस मतलब उससे कम नंबर्स कितने होंगे उसके पास, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये सारे क्या हैं, 6 से छोटे ही हैं सारे, लेस हैं उससे, कितने हैं टोटल 5, मतलब इनमें से अब कोई भी नंबर आ सकता है, 5 हो गया, टोटल कितने रहेंगे वही 10। कटिंग पॉसिबल है हमारे पास, तो कटिंग मैंने कर दी, तो आंसर आ गया 1/2, अगर पॉसिबल होती है तो कटिंग हमें वहीं पर कर देनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 3। अब If you have a spinning wheel with 3 green sector, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चली गई ना, इसी का थर्ड पार्ट है। अब हमारे पास गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, अब कहता है नंबर जो ग्रेटर देन 6 हो, तो 6 से बड़े नंबर 7, 8, 9, 10, तो ये वाले 4 नंबर्स हो गए उसके पास। अब फेवरेबल आउटकम्स उसकी कितनी हो जाएंगी, यही, तो क्या आएगा, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, अच्छे से लिखना है इसको, कितने नंबर्स मैंने आपको बताया, 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। अब फिर से कटिंग पॉसिबल है, क्या आ जाएगा, 2, 2 ज़ा 4, 2, 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया 2/5, ये हो गया आंसर, राइट। लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, गेटिंग अ वन डिजिट नंबर, कहता अब पहले प्रॉबलिटी लिख लूँ, गेटिंग अ वन डिजिट नंबर, कि जो नंबर है वो वन डिजिट ही होगा। अब ये सारे वन डिजिट है कहाँ तक, 9 तक, जो 10 है वो क्या है मतलब 2 डिजिट नंबर बन गया, मतलब इसको छोड़ के इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो कितने हैं टोटल ये 9, दीज आर 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास 9/10, ये हमारा हो गया आंसर। ये 4 के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हमने, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है,
इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद थ्री ग्रीन सेक्टर्स, कहता अब मेरे पास कोई स्पिनिंग व्हील है, ठीक है, उसमें तीन सेक्टर बना रखे हैं, कौन से ग्रीन और वन कौन सा है ब्लू और वन कौन सा है रेड, थ्री ग्रीन हो गए, वन ब्लू वन रेड, टोटल कितने हो गए फाइव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, अब कहता प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रीन सेक्टर की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर और नॉन ब्लू सेक्टर की, राइट अब उससे पहले फिर से एक चीज़ देखो, चाहे आप इसको लिख ही लेना, अब जब प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाती है, मेरे पास मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है उसने वन बाई टू, कुछ भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने लेट कर लिया, आप भी लिख लेना चाहे इसको कि वन बाई टू है, ये तो होगी कि प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, ई को छोड़ के हेड की ले लो, ये हो गया कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है वन बाई टू, कॉइन पे कितने फेसिस होते हैं टू ही होते हैं हेड और टेल, और टोटल इसका भी वन होता क्या एच टी, बस यही होता है टोटल कितने ही है टू, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इसकी वन बाई टू आएगी, अब ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड ही आएगा वन बाई टू, अब वो पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, है ना कि हेड नहीं आएगा, नॉट हेड, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं और इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, एच के ऊपर ऐसे बार सी डाल देते हैं, इसका मतलब ये सेम ही होते हैं, बोथ आर सेम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ना, तो जो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, जैसे एच की प्रोबेबिलिटी है ये, अब उसने नहीं की पूछी है, तो उस प्रोबेबिलिटी को हमें माइनस कर देना होता है किस में से, वन में से, मतलब इस वन बाई टू को मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी, फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपको लेना आता ही है, अब दोबारा दोबारा सिखाना, अब एलसीएम उसकी भी प्रॉबर्टी एच नहीं आएगा, मतलब अगर एच नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या है वन बाई टू, समझ गए हो, अगर किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी को वन में से माइनस कर दो, जो भी होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, राइट ये हमारे पास हो गया, और प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी जीरो से वन के अंदर लाई करती है, ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में पहले तो जो दे रखा है वो लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स कितने दे रखे हैं फाइव, नंबर ऑफ ब्लू सेक्टर कितने हैं वन, उसके बाद नंबर ऑफ रेड सेक्टर वो भी कितने हैं वन, तो टोटल सेक्टर्स कितने हो गए हमारे पास, ओहो ये आपको दे रखे हैं थ्री, तो टोटल हो गए हमारे पास फाइव, थ्री फोर ये हो गया फाइव, राइट अब उसने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया ग्रीन सेक्टर, तो क्या आएगा ग्रीन सेक्टर कितने हैं थ्री, टोटल कितने हैं फाइव, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, फॉर्मूला आपने लिखना ही है वही नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन फिर इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव लिखोगे राइट, उसके बाद सेकंड उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ये हो गया कि ब्लू सेक्टर मैंने आपको जैसे बताया कि किसी की नहीं होने की अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दो राइट, अब यहाँ पे मेरे को एक इजी सा मेथड और दिख रहा है, कौन सा, अगर उसने पूछा नॉन ब्लू नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और तो हो सकता है, मैं ब्लू वाला अगर छोड़ दूँ तो मतलब ये थ्री और ये वन, थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर, दोनों में से कोई भी सेक्टर आ सकता है, इस पे नहीं जाएगा लेकिन इन दोनों में से तो आ ही सकता है, तो क्या हो जाएगा फोर बाय फाइव, फॉर्मूला आपने लिखना ही है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, मैं नहीं लिख रही हूँ आप लिखोगे फॉर्मूला, इसी को मैं दूसरे मेथड से बता देती हूँ जो अभी आपको मैंने पीछे बताया ही है, नॉन ब्लू पूछा है, नॉन ब्लू के लिए मुझे पहले ब्लू चाहिए, मैं क्या करूँगी प्रॉबिलिटी ऑफ ब्लू सेक्टर निकाल लूँगी, तो ब्लू सेक्टर कितने थे मेरे पास एक ही था, टोटल कितने थे फाइव राइट, अब ये ब्लू सेक्टर है, अब नॉन निकालना है, मतलब ये होने की होगी प्रोबेबिलिटी, अब उसी की मेरे को नहीं होने की निकालने के लिए मैं इसको किस में से माइनस करूंगी वन में से, अब एलसीएम क्या आएगा फाइव, जब ये करोगे ना तो कितना आएगा फोर बाय फाइव राइट, अब ये भी सेम है और ये भी सेम है, मतलब ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो,
आपको समझ आना चाहिए कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, राइट। यहाँ पे कई क्वेश्चंस में नहीं होता है तो ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है उसने, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आउटकम्स निकलवाई थी, अब उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी में निकाल लो, जहां हमने आउटकम्स लिखे थे सारे, वहीं पे हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब वहां पे देख देख के फटाफट से करते जाओ। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, दिया है अ प्राइम नंबर। पहले तो प्राइम नंबर्स, पहले तो सैम्पल स्पेस लिखो, एस कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सैम्पल स्पेस फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, उसी में मतलब है ना। तो ये प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आपको बताए थे 2, 3 और 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज टोटल कितने हैं, 6, ये कितने हो गए 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ये कितने हैं 1, 2, 3, 3। टोटल कितने हैं 6। कटिंग पॉसिबल तो डू कटिंग, ये आ गया हमारे पास 1/2 आंसर। फर्स्ट का ए पार्ट हो गया, अभी बी पार्ट करना है आपको। नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट अ प्राइम नंबर, उसमें भी 3 नंबर्स ही लिखे थे, ठीक है। एक वो हो गया, 3 नंबर वो हो गए, कौन कौन से थे आपके पास, 1 था है ना, और 4 था, 6 था, वो प्राइम नहीं थे क्योंकि कितने हो गए टोटल 3/6, फिर से कटिंग करो 1/2 आंसर, राइट। सेकंड का ए पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 तो एक ही नंबर आना था, वहां पे 6, राइट। अब 6 है तो मतलब एक ही नंबर है ना, चलो ऐसे 6 लिख लो कि 6 मतलब एक ही नंबर आया। अब इसी की प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 5 कितने हैं, 1, टोटल कितने हैं 6। तो ये 6/6 मत लिखना, नंबर एक ही है वो, ऐसे काउंट करना है इसको। फिर हमारे पास है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 यही रहा ना नंबर नॉट, यहाँ पे एक ही नंबर आया था, यहाँ पे कितने हैं देखो, नंबर ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 6 मतलब 5 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए, तो 5 तक नंबर आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, राइट, समझ गए हो। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास कौन से नंबर, कितने नंबर्स थे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या आएगा आपके पास। अब इसी की प्रोबेबिलिटी अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कितने नंबर्स है टोटल 5, ये वाले 5 से जो ग्रेटर नहीं है, और टोटल कितने हैं 6। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट आंसर, राइट। इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, राइट। अब स्टूडेंट्स, अब आप में से, फिर मैं आपको बोल रही हूँ, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं मैम हमें ये वीडियो नहीं मिली, मैम हमें वो वीडियो नहीं मिली। तो बच्चे, आपको मैंने पहले ही बोला है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी, राइट। अब देखो यहाँ पे जब आप वीडियो ओपन करते हो, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आती है सब्सक्राइब की, तो यहाँ पे पहले तो सब्सक्राइब करो इसको, राइट। वेट, सब्सक्राइब हो गया, डन। इसी के साथ जब सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन आता है, बेल आइकन को प्रेस किया, यहाँ पे देखो ऑल लिखा आ रहा है, तो ऑल पे क्लिक कर दो, डन, ये सब्सक्राइब हो गया। अब जितने भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगी, जैसे ही अपलोड करती हूँ आपके पास, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, राइट, यूट्यूब पे देखो इनबॉक्स में आ जाती है। उसके बाद अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गई है, तो वहीं पे जहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है, मैंने वहीं पे क्लिक किया, राइट, क्लिक किया, ये खुल गया मेरा पेज, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है होम वीडियोज़ प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दिया,
तो यहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वहीं से कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, कभी टेस्ट है, कुछ भी है, तो आप यहीं से आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, यहीं पे खोल लो। अब यहाँ देखो, ये सेवन्थ का चैप्टर है, दिस इज़ ऑल्सो क्लास सेवन्थ। ये रहा आपका क्लास एट का डाटा हैंडलिंग, इसको ओपन करो डाटा हैंडलिंग को। तो इसमें आप देखो 26, 27, 28, 29, जितने भी लेक्चर्स आपके होंगे वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे आपके, राइट। तो ये हो गया हमारा ऐसे, मतलब आप इसमें से कुछ भी फिर ओपन करोगे तो वो आपकी हो जाएगी। तो ये देख लो आप, फिर आपकी वीडियोस मिस नहीं होंगी। आप मेरे को बोलते हो वीडियो मिस होगी, तो ये चीज़ आप कर लो, वीडियोस मिस नहीं होंगी आपकी। चैप्टर नंबर 5 हमारा फिनिश हो गया, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, राइट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।